कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन का आज से प्रदेश दौरा, इंडिगो की फ्लाइट से जयपुर पहुंचेंगे। अजय माकन प्रदेश में होने वाले उपचुनाव की तैयारियों का जायजा लेंगे। पीसीसी कार्यालय में बैठक अजय माकन लेने वाले हैं और चुनाव से लेकर पदाधिकारियों से चर्चा करेंगे। उपचुनाव के लिए आगामी तैयारियों की रणनीति भी बनेगी। पदाधिकारियों के साथ साथ कार्यकर्ताओं से भी जमीनी स्तर का जो फीडबैक है वो प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन लेंगे। चलिए इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ सहयोगी दिनेश कसाना फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दिनेश, देखिए, जब से राजस्थान में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, विधानसभा के तीन विधानसभाओं के लिए जो उपचुनावों की तारीखों का ऐलान हो, उसके बाद से लगातार अरुण सिंह भी भाजपा की ओर से राजस्थान पहुंचे और उसके बाद भी मंथन किया, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस भी लगातार टक्कर देती हुई नजर आ रही है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी जो है अजय माकन आज प्रदेश के दौरे पर रहेंगे, तमाम रणनीति बनाई जाएगी आज, क्या अपडेट दिनेश? बिल्कुल, देखिए, चार विधानसभा उपचुनाव होने हैं, तीन विधानसभा उपचुनाव का चुनाव कार्यक्रम भी डिक्लेयर हो चुका है। तो ऐसे में दोनों जो प्रमुख दल हैं वो अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। बीजेपी भी पूरी तैयारी कर रही है और कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हैं अजय माकन, वो भी आज जयपुर दौरे पर रहेंगे, क्योंकि चुनावी रणनीति भी तैयार करनी है। कल से नामांकन, उम्मीदवारों के नामांकन की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी, तो ऐसे में उम्मीदवारों का चयन है वो भी करना है। तो आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी वो चर्चा करेंगे, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा उनसे भी चर्चा करेंगे और उम्मीदवारों के चयन को लेकर जो बातचीत होगी। और उसके साथ ही आज शाम 4 बजे पीसीसी कार्यालय में एक अहम बैठक रखी गई है। इस बैठक में पीसीसी के जो पदाधिकारी हैं वो शामिल होंगे, साथ ही जहां देखिए विधानसभा के उपचुनाव होने हैं वहां पीसीसी की ओर से ऑब्जर्वर लगाए गए थे, प्रभारी नियुक्त किए गए थे, उनसे पूरा फीडबैक लिया जाएगा। प्रभारी मंत्री हैं वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे, किस विधानसभा क्षेत्र की क्या स्थिति है और सबसे मजबूत दावेदार कौन है, किस तरह से जो सोशल समीकरण है वो वहां पर बैठते हैं, तो तमाम फीडबैक अजय माकन की ओर से जुटाया जाएगा। और उसके बाद उम्मीदवारों के चयन का फैसला है वो किया जाएगा। और इसके साथ ही देखिए संगठन के लिहाज से भी, चूंकि संगठन अभी तक पीसीसी का गठन हुआ है, जिला और ब्लॉक स्तर पर अभी कार्यकारिणियां नहीं बनी है, तो उनका भी गठन करना है, संगठन को किस तरह से मजबूत किया जा सके, चूंकि एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है संगठन और सरकार का जो कामकाज है उसको आमजन तक पहुंचाने के लिए संगठन की अहम भूमिका रहती है, तो ऐसे में संगठन भी जिला ब्लॉक स्तर पर तैयार किया जाए, तो इसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा की जाएगी। और मुख्य रूप से देखिए विधानसभा उपचुनाव में उम्मीदवारों के चयन की बात हो या फिर चुनावी रणनीति, इसको लेकर इस बैठक में अहम रूप से चर्चा की जाएगी। तो दोपहर 12:15 बजे अजय माकन एयर एशिया की फ्लाइट से आज जयपुर पहुंचेंगे और उसके बाद शाम 4 बजे बैठक होगी। और चूंकि एक दिवसीय दौरा आज अजय माकन का है तो आज शाम को ही वो 8 बजे वापस दिल्ली लौट जाएंगे। जी दिनेश, कहीं ना कहीं बात जब उपचुनावों की हो रही है प्रदेश में, तो दोनों ही जो महत्वपूर्ण मजबूत दल हैं वो ऐसे ही प्रत्याशियों पर दाव खेला चाहते हैं जो कि जिताऊ प्रत्याशी हो। पदाधिकारियों से मीटिंग तो करेंगे, साथ ही में कार्यकर्ताओं से भी मीटिंग करेंगे अजय माकन आज, कहीं ना कहीं नब्जे टटोलने की कोशिश करेंगे जमीन स्तर पर, क्या कहेंगे इसके बारे में? बिल्कुल, देखिए उम्मीदवार चयन का जहां तक बात है कि उम्मीदवार चयन के लिए क्राइटेरिया की बात आती है तो उसमें एक ही है कि जिताऊ कौन है, उसके लिए एक ही फार्मूला है, जो जिताऊ उम्मीदवार है उसी का चयन किया जाए। लेकिन कांग्रेस में देखिए 3 सीटें जहां उपचुनाव हो रहे हैं उनमें से चारों में से तीन सीटें कांग्रेस के पास थी, तो ऐसे में जहां तक संभावना बनती है अधिकांश रूप से तो जो जिनके विधायकों का निधन हुआ है उनकी परिवार से ही किसी एक को टिकट देने की बात चल रही है। सुजानगढ़ से मास्टर भोरलाल मेघवाल जिनका निधन हुआ, कैबिनेट मंत्री थे सरकार में, तो उनके बेटे हैं। पिछले दिनों जब देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा हैं, अजय माकन हैं, सचिन पायलट, तमाम नेताओं ने चुनाव प्रचार का किसान सम्मेलन के बहाने चुनावी आगाज किया, इस दौरान भी ऐसे संकेत दिए। मनोज मेघवाल को उन्होंने आगे किया और वो लगातार चुनाव प्रचार में वहां पर सुजानगढ़ में जुटे हुए भी हैं। ऐसी ही स्थिति वहां पर है भिलवाड़ा सहाड़ा में जहां पर चुनाव होने हैं, कैलाश त्रिवेदी का निधन हुआ, कांग्रेस से एमएलए थे, तो उनके बेटे भी दावेदारी कर रहे हैं, उनके भाई हैं वो भी दावेदारी कर रहे हैं, तो ऐसे में परिवार से ही किसी एक का चयन किया जा सकता है। लेकिन उम्मीदवार चयन में ये बात काफी महत्वपूर्ण रहेगी कि जिताऊ चेहरा कौन है, उनका ही उम्मीदवारों का चयन किया जाए। जी चलिए दिनेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।